नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एलिक सिरप के बारे में। सो दोस्तों, एलिक सिरप क्या है, इसका क्या कंपोजिशन है, किस किस प्रॉब्लम में हम इसे ले सकते हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इन सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को इन वीडियो के थ्रू देने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको जो है मेरा नया नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सिरप है ये खांसी के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है ये एलर्जेटिक खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे बार बार छींक आना, सर्दी, आँख से पानी बहना या फिर गले में जलन, इन सभी प्रॉब्लम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है वोमिटिंग, सर दर्द, भूख ना लगना, ये सब जो है इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर दोस्तों ऐसा कुछ सिम्टम आप लोगों को दिखाई देता है, तो फिर आप घबराए मत, दवाई लेना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर इसका कंपनी का बारे में बात करें दोस्तों, तो फिर इसका जो कंपनी है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंपनी है दोस्तों। सो दोस्तों, अगर इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डेक्सट्रोमेट्रोफोन, हाइड्रोब्रोमाइड, फेनिलएफरिन और हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामाइन मिलेट सिरप। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फेनिलएफरिन 5 मिलीग्राम है इसमें, और डेक्सट्रोमेट्रोफोन हाइड्रोब्रोमाइड है 10 मिलीग्राम, और क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट है 2 मिलीग्राम। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है डेक्सट्रोमेट्रोफोन 10 mg, इसके बाद फेनिलएफरिन 5 mg और क्लोरोफेनिरामाइन 2 mg है दोस्तों। इन तीनों चीज़ों के लेके ये जो सिरप है बनाया गया है। अगर दोस्तों इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो फिर अगर आप लीवर या किडनी का पेशेंट हैं, तो फिर आप इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसर्न जरूर करें। और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो फिर उस समय आप इसे लेने से पहले डॉक्टर से बात ज़रूर करें क्या कैसे इसे लेना है। और दोस्तों आप बात करते हैं इसका प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपायरी के बारे में। इसका जो प्राइस है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो प्राइस है 129 रुपीज़ ओनली, ये आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। और इसका जो क्वांटिटी है वो दोस्तों ये 100 ml का आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो है 100 ml। और इसका जो एक्सपायरी के बारे में बात करें, तो फिर इसका जो एक्सपायरी है वो है अक्टूबर 24, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो नवंबर 22 को मैन्युफैक्चर डेट है इसका, ठीक है ना। और इसका एक्सपायरी जो है वो है अक्टूबर 24 तक, इसका मतलब इसका जो एक्सपायरी रहता है वो 2 साल तक रहता है दोस्तों। सो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों।